मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के लिए। क्लास 10 का जो मैथ है उसमें आपका एक टॉपिक है सांख्यिकी, ठीक है। उस सांख्यिकी में से हम लोग सीखेंगे आज बहुलक, जो कि सवाल आपका आता है 4 नंबर का, और आपको 4 नंबर पूरे दिलाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, और इस बहुलक के सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले आपको दिया गया है कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? आपको यहाँ पर दे दिया गया है वर्गंतराल, यहाँ पर दे दी गई आपको बारंबारता। वर्गंतराल लिखा हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता लिखी हुई है 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2। देखिएगा, बहुलक के लिए सबसे पहला काम होता है कि बारंबारता देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। पहला काम हमारा ये होता है कि सबसे पहला काम सबसे बड़ी संख्या को देखना है। सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे यहाँ पर लिखी हुई है 12। क्या लिखी हुई है यहाँ पे? लिखा हुई 12 लिखा हुआ है, क्लियर। तो जो 12 लिखा हुआ है इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो भी संख्या आपको मिले उसको नाम देंगे F1। क्या नाम देंगे? F1। और 1 के बाद में क्या आता है? 2 आता है, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी F2 हो जाएगी, और इससे पहले की संख्या जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी F0। क्या हो जाएगी? F0। हम लोगों ने 3 चीज़ें यहाँ पर देख ली। सबसे पहला हमारा काम क्या था है? कि जो बारंबारता में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? F1। तो इसमें हमें देखने में पता लगा कि सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या थी? 12 थी, तो ये हो गई F1। और 1 के बाद में क्या आता है? अगली संख्या आपकी F2 हो जाएगी, जो भी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। और उससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? F0। ये तो समझाने के लिए था इतनी बात। फिर F1 वाला जो भी होगा इसमें वो थोड़ा समझो, अभी F1 की कंडीशन जो भी आ जाएगी तो उसमें जो पहली संख्या होगी आपकी, ये जो पहली, ये आपकी हो जाएगी L। क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, क्लियर बात। और एक चीज, जो वर्ग अंतराल दिया गया है इनके बीच का जो भी डिफरेंस है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कितना अंतर आ रहा? 10 का अंतर आ रहा, तो आपका ये हो जाएगा H, हो जाएगा 10। बस सिर्फ इतनी चीज़ें हैं, इसको पहले आप लोग सीखिएगा। पहला काम क्या होता है? F1 पता करना, F2 पता करना, F0 पता करना, H पता करना और L पता करना, ठीक है। L कहाँ से आता है? जो F1 का खाना होता है, जो F1 इसमें जो पहला नंबर लिखा होता है वो होता है L, ठीक है। और इनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है, सभी में समान होता है, वो आपका होता है H, ठीक है। सवाल लगाएंगे कैसे? लिखेंगे, सबसे पहला काम यहाँ से देगा, ठीक है, वो तो बता दिया समझाने के लिए। लिखेंगे कि सबसे अधिक, क्या लिखेंगे? सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल, सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल इसकी है 40 से 50 की है, ठीक है। अतः बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आपका जो भी आंसर आएगा वो 40 और 50 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी के मान, लिखेंगे F0 बराबर 10, F1 बराबर 12, F2 बराबर 10, ठीक है, H बराबर 10 और L। अब लिखेंगे L, क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो L बराबर, अब हमें लिखना है यहाँ पर L, लिखेंगे कि L बराबर आपका जाएगा 40, क्लियर। अब लिखेंगे, अब देखिए बहुलक के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इन टू एच। ये होता है आपका फॉर्मूला।
बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हम रखेंगे मान, इसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। आप देखो वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसी में समझो थोड़ा सा आगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा समझो आगे। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे एक बार, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इन टू में एच। ये आ जाएगा आपका एल का मान कितना था। अब यहाँ से मान देखेंगे हम लोग, एल का मान आप देखो, एल का मान 40 है, एफ वन है आपका 12, एफ जीरो है आपका 10। तो इतना लिखेंगे पहले, ये 40 है, एफ वन कितना 12 है माइनस का 10 है, बटे में आ जाओ 2 गुणा एफ वन कितना आपका 12 माइनस 10 और माइनस एफ टू कितना है ये भी देख लो, एफ टू और एच, एफ टू आपका है 10, एच भी आपका है 10। तो एफ टू है, एफ टू यहाँ पर माइनस कर लेंगे 10, एफ टू जो इन टू में कर लेंगे 10, बस इतना देखो। तो 40 प्लस 12 से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2, 12 दूनी 24 और माइनस 10 10 कितना जाएगा 20, ये हो जाएगा इंटू में कितना है 10। चलिए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं आगे, बराबर 40 से 40 लिखा हुआ है प्लस 2 बटे कितना बचा 4 गुणा में 10, सही है, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आपका जाएगा 40 पाँच एकन पाँच प्लस पाँच बराबर आपका आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या बात है, यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना था आप लोगों को, और बहुलक आपका आ गया है यहाँ पर 45। आपको बताया गया था कि बहुलक वर्ग कितना है 40 से 50 है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा। और ये आता कितने नंबर का, 4 नंबर का, कितने नंबर मिलते हैं इसे, 4 अंक आपके कितने हो जाएंगे, 4 अंक बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और आपका बोर्ड एग्जाम जो है 2023, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर, तो इस टाइप से हम लोग जो हैं बहुलक के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ गया है 45। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।